हिमाचल के कांगड़ा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच चली आ रही मांगों की जंग खत्म होती नहीं नजर आ रही। आज एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त रजिस्ट्रार हेमराज के कार्यालय में पहुंचकर उनका घेराव किया और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का सवाल था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोरोना काल में भी छात्रों से फीस वसूलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जबकि सुविधाओं के नाम पर उन्हें महज लीपा पोती दिया जाता है और ये लोग उनकी फीस से फुल मौज उड़ा रहे हैं। कार्यकर्ता अभिषेक राणा ने कहा कि हाल ही में धर्मशाला के कैंपस में आवाजाही करने वालों के टेम्परेचर चेक करने वाली चौकीदार को जो सीयू ने थर्मल स्क्रीनिंग दे रखी है उसमें सेल खत्म हो चुके हैं, मगर प्रशासन उसके बाद भी 20 रुपए खर्च नहीं कर पा रहा, जबकि सीयू प्रशासन के इन अधिकारियों को फुल सैलरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में छात्रों को तो छोड़िए, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और यूनिवर्सिटी प्रशासन के आला अधिकारियों के कैबिन में हर सहूलियत है। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन यूनिवर्सिटी में दोहरा रवैया अपना रहे हैं जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। कांगड़ा से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। जिस तरह से आप सभी के समक्ष है कि किस तरह से हमने पिछले फरवरी माह से ही जो हमने मूलभूत सुविधाओं के लिए इस प्रशासन को बोला था, पर ये सोया वो प्रशासन है। मुझे लगता है कि कुछ कुछ दिन बाद आकर इन्हें उठाना पड़ता है, तब जाकर इन्हें छात्रों की याद आती है। अगर हम आज की बात करें तो आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो जो विश्वविद्यालय के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठता है उस गार्ड के पास उस टेम्परेचर मशीन में डालने के लिए सेल नहीं होते हैं, परंतु इस प्रशासन को इतनी शर्म तक नहीं आती कि उस गार्ड के पास डालने को सेल नहीं है और ये छात्रों की सुविधा कैसे पूरेगा करेगा। पिछले कल से ही देरा कैंपस के बाहर इतने ज्यादा पीएचडी स्कॉलर है वहां पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, जहां नाम मात्र के चेयर तक नहीं है उस मांगों को लेकर वहां बैठे हुए हैं, परंतु यहां से एक भी प्रशासनिक अधिकारी उस वहां पर उनकी बात सुनने नहीं जाता है। ये किस तरह से एक शर्मनाक और निंदनीय घटना है। अगर मैं बात करूं आज की, अभी जब हमारा घेराव हुआ तो उस दौरान डीएसडब्ल्यू जी कहते हैं कि वहां पर कुर्सियों की खेप पहुंच गई है, परंतु रजिस्ट्रार कहते हैं कि कुर्सियों की खेप धर्मशाला पहुंच गई है। जब इनका अधिकारियों का आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में इन्हें बात का पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ धांधली का काम चला हुआ है और इस यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सिर्फ बच्चों को गुमराह करने का काम किया है। जिस तरह से इन्होंने अपनी वेबसाइट में बड़ी बड़ी जो धौलाधार की फोटो दिखा के बड़े बड़े शाहपुर महाविद्यालय कैंपस की फोटो दिखाकर बच्चों को लुभाया हुआ है, पर जब बच्चे इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में आते हैं तो एक नाम मात्र से कैबिन में जब बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर आके पछता रहे हैं और पूरे देश भर में इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बल्कि पूरे हिमाचल का नाम खराब हो रहा है सिर्फ इस सोए हुए प्रशासन की वजह से। परंतु विद्यार्थी परिषद निरंतर अपने आंदोलन में लगी हुई है और आज जिस तरह से हमने रजिस्ट्रार और डीएसडब्ल्यू का घेराव किया है, आने वाले समय में हम उस हर नुमाइंदे का घेराव करेंगे जिससे यूनिवर्सिटी के प्रशासन जुड़ा हुआ है और जो यूनिवर्सिटी के काम करने के लिए लामबंद है। जी आज हम आश्वासन नहीं लेने आए, आज हम बिल्कुल पूर्ण रूप से घेराव करने आए हैं और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम इस कैंप ऑफिस से हिलेंगे नहीं, अपनी पूरी डिमांड को करवा कर इस कैंप ऑफिस से जाएंगे। अगर टीचरों की सैलरी की बात हो तो उसका रिजल्ट एकदम आ जाता है, लेकिन स्टूडेंट की डिमांडों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी ये जो दलील है इसमें दम पता क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर अपनी सैलरीज यहाँ नहीं डिटरमिन करते, बी अवेयर आल्सो कि कहाँ से होती है सैलरीज। आप हमने आपसे बात कर लिया, आपको लगता है डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है, हम आपसे छात्रों की बात करने आए हैं, टीचर्स की बात है, हमने सर से कर रहे हैं। बहुत केयरफुली सुन रहा हूँ आपको, मेरी पूरी कंसंट्रेशन आपकी तरफ है सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी प्रशासन सोया नहीं रहा है। अगर मुझे एक मिनट देखे, अगर आप कहेंगे कि 50 आवाजें, ये जो दलील आपके सामने आने वाली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या किया उसको दबा पाएंगे, वो गलत है। मैं आपको जब सुन रहा हूँ मुख्यमंत्री स्तर पर और एमएचआरडी के स्तर पर, यूजीसी के स्तर पर, अनुराग ठाकुर जी के स्तर पर, ये चीज गई है यूनिवर्सिटी ने अनुराग ठाकुर का घेराव देरा कैंपस के अंदर किया, तब वो भी जागे है कि स्टूडेंट जागा है, तब आप लोगों की कार्रवाई है, तब आप लोग
आगे बात सर नहीं हुई है सर, बात पूरी हुई ही नहीं। मैं आपको सिर्फ नहीं अली आपकी बात में पूरी सुनूंगा, सरकार की तरफ से हमारी भी तो सुनो, सरकार हमारी भी तो सुनो, सरकार की तरफ से आपने बोल दिया सर एक बात सुनिए, जो कि हमारी ग्रुप की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, नहीं नहीं हमारी ग्रुप की यूनिवर्सिटी ने अपने एंड पर क्या कर सकती है, यूनिवर्सिटी कॉरेस्पोंडेंस कर सकती है, वही प्रश्न है सर, सुन तो लो, प्रश्न मत करो, सुन तो लो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.